हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ आप सब की अच्छे ही हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबके सामने अभी ये दुविधा आ रखी है कि आपका SSC का जो पेपर है, हरियाणा SSC कल रखा, जो कि 21, 22, 23 को हेल्ड होना है, मतलब कि आपका जो होना है। तो आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है, आप सब कुछ नहीं जानते। कहते हैं ना कि सबको एग्जाम से मालूम पड़ेगा कि तैयारी कितनी है। तो दोस्तों, आपको मैं मतलब कि सजेशन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जितना पढ़ा है आप उसी पे फोकस करें। ठीक है, मेरा इस वीडियो का मोटिव मेन यही है कि आपको अपनी तैयारी कुल 15 दिन में कैसे करनी है और किस प्रकार से आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे इस टेस्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसमें कितना कंपटीशन है। इसकी बार कम से कम मान लो 15 लाख समथिंग कुछ फॉर्म फिलअप हो रखे हैं हरियाणा SSC कल रख में। ये तो कम ही बताया मैंने, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मतलब ये होता है कि दोस्तों, आपका पेपर किस प्रकार से क्लियर होगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बस दोस्तों इतना कहूँगा कि आपने जितना कुछ पहले पढ़ा है ना, आप उसे फोकस करें। आप ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं उनकी बातों में ना आए। यूट्यूब पे दोस्तों, यहाँ पे पता है आजकल लोगों ने यूट्यूब को मतलब पैसा कमाने का जरिया मान लिया है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हमसे पैसे मिलें। ठीक है, वीडियो बनाए, 1 मिनट से पहले वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन इनसे होना कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितना आप मतलब कि आप दिमाग से पढ़ोगे, मतलब कि आप आराम से घर में, ठीक है, रूम को लॉक करके और आराम से बुक खोल के पढ़ोगे तो ही अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपने जितना पढ़ा है अब तक, ठीक है, तो ये तो है नहीं किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा। जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब तैयारी की होगी इससे हरियाणा कल रख की। ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि जिन लोगों ने मतलब अच्छे ढंग से तैयारी की है दोस्तों, जिन्होंने जितना पढ़ा है ना अब तक, उन पर फोकस करें। ठीक है, एक बुक आती है दोस्तों राकेश यादव की, ठीक है, 2018 की बुक है वो। उसमें दोस्तों जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं ना, मतलब ऑलरेडी मतलब आप सबके सब उसमें पेपर दिए गए हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट है उसमें। ठीक है, जितने भी आज तक हरियाणा में पेपर हुए हैं, आप जितना हो सके दोस्तों, इसमें कम से कम 61 सेट है उसमें। ठीक है, 61 सेट है पेपर है उसमें। ठीक है, उसके मतलब आंसर की भी साथ में है और मतलब सोल्यूशन भी साथ में है, तो आप उसको करें, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोज़ होती हैं, आपको मतलब ये मतलब बहलाते हैं कि मेरी वीडियो को देखो, पूरा पेपर इसमें से आएगा, मतलब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए थे दोस्तों। SSC मतलब क्वेश्चन रिपीट करता है, बट इतने नहीं करता जितना आप समझ रहे हो। लोग क्या करते हैं, वीडियो डाल देते हैं कि ये मतलब ये वीडियो देखो और सारे पेपर इसी में से आएगा, और दोस्तों वहाँ पे आता कुछ नहीं है। आपको भी बात बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो मेरा इतना आपको सजेशन है कि आप जितना आपको पढ़ना है ना, मतलब आप प्रैक्टिस सेट करें, आप ज़्यादा यूट्यूब वीडियो पर ना जाएँ। मैं आपसे इतना कहूँगा, आप यूट्यूब वीडियो ना ही देखें तो ही सही है। 10 दिन 15 दिन आपके बचे हैं, आप प्रैक्टिस सेट करें, आपका पेपर दोस्तों आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों, आप आराम से घर पे आराम से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, आप यूट्यूब वीडियो ना देखें। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो आपके मतलब जिन्होंने जितना पढ़ रखा है, आई होप आपने मतलब पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। लेकिन जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है दोस्तों, जिनका कुछ देखो आप भी दोस्तों, इतना टाइम तो है नहीं कि 15 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, ये तो आपका वहम है। ठीक है, इसको निकाल दो। ठीक है दोस्तों, जिनके मतलब कि आपके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उन पर ध्यान दीजिए आप। जैसे कि हिंदी में आप समास ले लीजिए, ठीक है, और कारक ले लीजिए। ठीक है, जो आपके मेन मेन टॉपिक जैसे संधि ले लीजिए दोस्तों, ये सिर्फ ओनली 20-20 मिनट के टॉपिक, आप ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप जो ऐसी सेंटर में सोने मतलब कि बबीता मैम पढ़ाती है, आप उनकी वीडियो देखिएगा इस। ठीक है, आपको एक वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ये मत करिए कि आपको मतलब पूरा फोकस यूट्यूब पे करना है, बस यूट्यूब पे देख के पास होना है। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल, अगर आप ये सोच रहे हो, आपका बहुत 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 ज़्यादा वहम है ये। ठीक है, ऐसा आप कर नहीं सकते कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो आपके मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समास हो गया, संधि हो गया, ये आप ICSE सेंटर पे जो बबीता मैम पढ़ाते हैं उनकी वीडियो देखिए। आप आराम से उनकी वीडियो एक देखने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आप देख के दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आप मेरे चैनल को मतलब रिपोर्ट कर दीजिएगा या फिर आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर आपको उनका पढ़ा हुआ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, मैं बबीता मैम की इतनी गारंटी लेता हूँ, आप मतलब उनका समझो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, आप उसकी वीडियो मतलब उनकी वीडियो देख सकते हैं आराम से। और गाइज, और जो आपके मैथ के टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा ध्यान दें मतलब कि एडवांस मैथ पे ध्यान दें। ठीक है, जब आपका एडवांस मैथ आता है, जैसे कि परमुटेशन कम्बिनेशन आता है, ठीक है, और ज्योमेट्री आती है आपकी, जो भी एडवांस मैथ होता है। ठीक है, और रीजनिंग के आपके 6 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और मैथ के आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आने हैं। आप ज़्यादा मतलब मैथ पे फोकस करें गाइज, और जो आपके मेन टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए हैं दोस्तों, इंग्लिश दोस्तों मेन आपका रोल करेगी इंग्लिश। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे मतलब कि ज़्यादातर की हरियाणा वाले किस चीज़ में मार खाते हैं, इंग्लिश में मार खाते हैं। आपको आप ये बात खुद भी जानते हो कि आप सब क्या सोचते हैं कि इंग्लिश में तुक्के लगा देंगे और पास हो जाएंगे, तो इस बात को यार छोड़ो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि मैथ सब लोग कर लेते हैं, रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं, हरियाणा जी के भी लोगों ने रट रखी है, ठीक है, वो बिल्कुल उंगली पर रट रखी हो, कहते हैं ना आपकी लैंग्वेज में कि रट रखी है, तो वही बात है, आप मेन फोकस करें, इंग्लिश पे भी करें, ठीक है। मेरा मतलब इतना है कि आपका पेपर पास हो जाए, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप यूट्यूब के जैसे ना आए, जो लोग भटके हुए हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देख देख के कि ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा वहम है ये, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। घर पे आराम से बैठ के, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस सेट करें, जो पीछे पेपर में पूछे गए थे उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, यूट्यूब से छाने कहाँ से भी करें, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है। आराम से देखें कि पिछले पेपर में क्या था, आपकी बार क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप मतलब कि आप मान लीजिए कि ब्लूट से कोई क्वेश्चन पहले मतलब आया था, ठीक है, तो आप ब्लूट वाला पूरा चैप्टर कवर करें, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि धमनियों में से कुछ पेपर मतलब कुछ क्वेश्चन बना था वहाँ पे, तो धमनी वाला पूरा चैप्टर मतलब करें, ठीक है। मतलब एक एक टॉपिक को बारीक से उठाए, इतना टाइम तो है ना कि आप आराम से कर सकते हो सबका सिलेबस, लेकिन मोटा मोटा कर लें जो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। और जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट करें गाइज, ठीक है। मेरी आपसे बस इतनी कामना, आप सबका जो पेपर होगा बहुत ही अच्छा होगा, आप सब हरियाणा जिस कलर में जॉब करने लग जाओ, मेरा इतना ही कहना आप सबसे। लेकिन मैं मतलब मेरा आज ये था कि यार लोगों ने काफ़ी मतलब फेमस मतलब रखी है यहाँ पे यूट्यूब पे, बस मतलब पैसा चाहिए लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आई नो पढ़ाने वाले भी बहुत से ज़्यादा हैं, कुछ से सर हैं जिनको जानता हूँ मैं, बट बात वो नहीं है कि वो पैसे के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं, लेकिन सब लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए सिर्फ वीडियो बनाते हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि जो लोग स्पेशल मतलब रोज के रोज वीडियो बना डालते हैं ना कि 50 क्वेश्चन मतलब इसमें से आएंगे, तो उनकी वीडियो को ज़्यादा इग्नोर करें, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो है, जैसे कि बबीता मैम की वीडियो है, जैसे कि प्रदीप सर है हमारे, वो उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब अब 10 दिन बचे आप प्रैक्टिस सेट करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपने देखना था, जो पढ़ना था, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कवर कर लें, या फिर आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दें, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ओनली प्रैक्टिस सेट करें, आपका पेपर आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। दोस्तों अगर आप तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। फ्रेंड्स आपको ऐसे रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना हो, या फिर आपको एग्जाम्स में कुछ तैयारी करने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पक्का बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस, दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने देखा कि बहुत लोग सब्सक्राइब बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा सब्सक्राइब आते हैं, तो दोस्तों मैं भी आपका भाई मतलब आपका भाई हूँ यार, सो प्लीज़ यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।